नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, ये आपके फार्माकोलॉजी का बेसिक है। एडीएमई में जो आपका जो सेकंड पार्ट है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो आज का वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का शाब्दिक अर्थ क्या है हिंदी में? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, एक जगह पे जहां पे कोई चीज ज्यादा है वहां से जिसके जिसके पास नहीं है उस तक पहुंचाना। इट इज सिंपली नोन एज अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये होमोजेनाइज भी हो सकता है या ये अलग अलग तरीके से भी हो सकते हैं, किसी को दो, किसी को तीन, किसी को चार, ये अनइक्वल फॉर्मेट में हो गया। लेकिन ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन विच आर अवेलेबल हियर, उनको अगर इक्वल दे दिया जाए, एक एक दिया जाए, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है। अभी इसी को ड्रग के करस्पॉन्डिंग में बात कर लेते हैं। जब कभी भी हम कोई भी ड्रग लेते हैं किसी पर्पस को अचीव करने के लिए, ये ड्रग हमारे जीआईटी में जाता है। अगर आप ओरल रूट से ले रहे हैं, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन, डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन के बाद वो आगे जाकर के आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट तक पहुंचेगा वाया ब्लड। तो ये जो ब्लड है आपके, उस ड्रग को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर ब्लड पहुंचा रहे हैं, यही कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन कई चीजों पे डिपेंड करता है कि जिस ऑर्गन पे वो ड्रग जाने वाला है अलोंग विद द ब्लड, क्या वो ऑर्गन इस तरह के ब्लड को अलाउ करता है कि वो उस तक पहुंचे। इसके लिए कई सारे बैरियर भी हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर या ब्लड टेस्टिस बैरियर। ये केवल केवल उन्हीं ड्रग को अलाउ करते हैं, ये तीन बैरियर जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं। सो इस तरीके से कह लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हुआ एक ड्रग का ब्लड में डिसॉल्व होने के बाद दूसरे दूसरे कंपोनेंट, दूसरे दूसरे बॉडी के पार्ट तक पहुंचना, यही कहलाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रेंड, एट द लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।